सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे फास्टैग्स के बारे में। फास्टैग फिलहाल चर्चा में क्यों है, एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना क्या है और फास्टैग के क्या लाभ है, सरकार ने इसको अनिवार्य क्यों किया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल चुकाने के लिए फास्टैग होना अनिवार्य है। पहले क्या होता था, कैश पेमेंट के माध्यम से या फिर कार्ड के माध्यम से, नहीं तो पास के माध्यम से टोल से क्रॉस किया जा सकता था, लेकिन अब टैग लगाना जरूरी हो गया है। 1 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा पर यह कंपलसरी था, लेकिन अब इसको 15 दिसंबर तक छूट दे दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के नियंत्रण में लगभग 560 टोल प्लाजा हैं, जिन पर क्रॉस करने के लिए फास्टैग होना जरूरी है। फास्टैग कंपलसरी किया गया है एक योजना के तहत। योजना ये है कि एक राष्ट्र एक फास्टैग। देश के राष्ट्रीय और राजमार्गों पर रेडियो बारंबारता पहचान यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग से युक्त नई गाड़ियां एक्टिवेशन करके फास्टैग प्राप्त किया जा सकता है। और योजना का उद्देश्य ये है कि जो भी यहां पर कलेक्शन होता है उसे डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाए और जो टोल प्लाजा पर समय लगता है, वाहनों की आवाजाही में जो बाधा उत्पन्न होती है, वाहन बिना किसी बाधा के टोल को क्रॉस कर सके। जितना यहां पर पैसा कलेक्ट होता है यानी कि भुगतान संग्रह की बात करें तो राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा उसका एकत्रीकरण किया जाता है यानी कि उसको कलेक्ट किया जाता है। भुगतान की पद्धति राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC कार्यक्रम के ही अनुरूप है। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक तरीके का डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रीपेड बैलेंस से सीधे भुगतान करता है, यानी कि आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए और उससे ही जैसे ही आप टोल क्रॉस करेंगे आपके वॉलेट से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि फास्टैग वो रीड कर लेगा और उतने जो भी अकाउंट आपका उससे अटैच है वो उसमें से पैसे काट लेगा। गाड़ी के आगे वाले शीशे पर ये लगा हुआ होगा जिससे वाहन को रुकने की कोई जरूरत नहीं होगी। और टैग की अगर वैलिडिटी की बात करें तो 5 ईयर उसकी वैलिडिटी है, लेकिन इसे बार बार रिचार्ज कराना पड़ेगा यानी कि उसमें पेमेंट होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। इसका क्या लाभ है? सरकार ने इसको कंपलसरी किया है तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो समय की बर्बादी नहीं होगी क्योंकि कई बार टोल पर वेट बहुत करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए। दूसरा, किसी भी कैश पेमेंट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जैसे ही आप टोल क्रॉस करेंगे फास्टैग उसको स्कैन करेगा, रीड करेगा और आपके वॉलेट से पैसे काट लेगा, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, कैश पेमेंट की जरूरत नहीं होगी। टोल पर रुकने से ईंधन में भी कमी आएगी क्योंकि कई बार टोल पर क्रॉस करने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, इंजन को आप ऑफ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्रॉस करना है और धीरे धीरे वाहन आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी में वाहन को स्टार्ट रखना पड़ता है जिससे ईंधन बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो अब ईंधन का जो ये खर्चा है वो बचेगा क्योंकि बिना किसी बाधा के आप टोल क्रॉस कर लेंगे। सरकार को जानकारी हो जाती है क्योंकि सरकार चाहती है कि देश का विकास हो, कि उसे ये पता चल जाता है कि किसी टोल से कितने वाहन गुजरे और किस प्रकार के वाहन गुजरे। इससे सरकार को यह भी पता चलेगा कि जब रोड डेवलपमेंट होगा तो उस रोड डेवलपमेंट के लिए कितना बजट रखा जाए। माना पर्टिकुलर एरिया की कोई सड़क है, उसकी चौड़ाई को लेकर या उसके बेसिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर कितना बजट प्रावधान किया जाए, ये सारी जानकारी यहां पर सरकार को मिल जाएंगी और सरकार उसी हिसाब से बजट का निर्धारण करेगी और बजट इश्यू करेगी। तो ये है फास्टैग, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी के लिए कंपलसरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। पूछा जा सकता है क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन उसको ऑपरेट करता है और सरकार को क्या लाभ होगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए लगातार इन्फोनी कॉर्नर से आप जुड़े रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और लगातार हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।